शेरशाह सूरी के 7 साल नवासी ने जंगी हिकमत अमली से मुतालिक एक पेचीदा मसला किस तरह चुटकी बजाते हुए हल कर दिया। शेरशाह सूरी जो अदलो इंसाफ के हवाले से मशहूर थे, उन्होंने रायसिंह का किला फतह करने के बाद राजा पूरनमल से किया हुआ अहद तोड़ दिया। पूरनमल की बेटी और भतीजों से ऐसा जालमाना सलूक किया कि उनके दामन पर लगा ये दाग आज तक नहीं मिट सका। शेरशाह सूरी ने ऐसा क्यों किया? शेरशाह सूरी ने करेंसी का नया निज़ाम मुतारफ करवाया और उनकी याद में रुपया आज भी कई ममालिक में मुस्तमिल है। मगर शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? किला का लंजर फतह करते हुए शेरशाह सूरी किस तरह शहीद हुए और मरने से पहले कौन सी 4 ख्वाहिशों का जिक्र किया जो पूरी ना हो सके। मुग़ल हिस्ट्री सीरीज़ की यह मिनी सीरीज़ जो शेरशाह सूरी की किताब जीत से मुतालिक है, इसकी दूसरी किस्त में हम इन्हीं सफहात की गर्दानी करते हुए यही सब जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। शेरशाह सूरी ने मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंकने के बाद लाहौर से मुल्तान तक पंजाब का बेशतर इलाका फतह कर लिया तो मालवा की तरफ तवज्जो की। राजपूताना में कई ताकतवर राजे और महाराजे उसके लिए खतरे का बायस बन सकते थे। ग्वालियर के राजा ने शेरशाह सूरी की इताअत कबूल कर ली। मालवा का हाकिम मल्लू खान भी शेरशाह की आमद से पहले ही उसके दरबार में हाजिर हो गया। जोधपुर का राजा मालदेव, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को मदद की पेशकश की, मगर शेरशाह सूरी के खौफ से हुमायूं को पनाह देने से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। अब उसे शेरशाह सूरी के गैज़ो गज़ब का सामना था। शेरशाह सूरी ने राजा मालदेव को सबक सिखाने के लिए हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। शेरशाह सूरी दुश्मन पर हमला करते वक्त अपने लश्कर को एहतियात की गर्ज से किला बंद कर लेता और इस मकसद के लिए अक्सर लश्कर के गिर्द खंदक खोद ले जाती। मगर जब मारवाड़ पर हमले के दौरान रेगिस्तानी इलाके में खंदक खोदने में मुश्किल पेश आई तो उसने एक नई तदबीर मुतारफ करवाई। ये तदबीर कैसे शेरशाह के जहन में आई, ये रौदात भी दिलचस्पी से खाली नहीं। तारीख़ खान जहानी और मखज़न अफ़ग़ानी के मुसन्निफ़ ने लिखा है, शेरशाह दरबार आम से उठकर हरम सरा में चला आया तो उसकी 7 साल नवासी खेलती हुई आकर उससे लिपट गई। नाना अब्बू को खामोश देखकर उसने सबब पूछा तो शेरशाह सूरी ने परेशानी की वजह बता दी। उस ज़हीन व फतीन बच्ची ने बड़े इत्माद से कहा, बाबा आप अपने सिपाहियों को हुक्म दें कि वो रेत की बोरियां भरकर एक दूसरे के ऊपर रखें और किला बना लें। अजमेर के मकाम पर शेरशाह सूरी और राजा मालदेव के लश्कर मद्दे मुकाबिल आए। एक माह तक दोनों फौजों ने मोर्चे संभाले रखे, फिर शेरशाह ने यह जंग बहादुरी के बजाय चालाकी से जीतने का फैसला कर लिया। उसने राजा मालदेव के लश्कर में शामिल उमरा की जानिब से अपने नाम एक जैली खत लिखवाया और कासदों को देखकर यूं रवाना किया कि ये खत राजा मालदेव के हाथ लग जाए। मंसूबे के ऐन मुताबिक ये खत राय मालदेव राठौर तक पहुंच गया, जिसमें कहा गया था कि हम जंग शुरू होते ही फरार हो जाएंगे ताकि तुम राजा मालदेव को निशाने इबरत बना सको। राजा मालदेव के उमरा ने अपनी वफादारी का यकीन दिलाने और ये बताने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, मगर राजा मालदेव राठौर अपने दोस्तों को साथ लेकर मैदान जंग से भाग निकला और किला जोधपुर जाकर दम लिया। 40,000 के लश्कर में से सिर्फ 8,000 राजपूत सिपाही मैदान जंग में बाकी रह गए, मगर उन्होंने पीठ फेरना गवारा ना किया और शेरशाह सूरी के लश्कर से लड़ते हुए
मारे गए। शेरशाह सूरी ने मालवा फतह करने की मुहिम के दौरान खलोट राजपूत कबीले के सरदार पूरनमल की राजधानी पर कब्जा नहीं किया था, मगर अब मालूम हुआ कि उसने चंदेरी और उसके आसपास के कस्बात से कई हजार मुसलमानों को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया है और उनकी लड़कियों को रकासा के तौर पर अपने किले में रखा हुआ है। शेरशाह सूरी की रगे हमीयत फड़की, पश्तून गैरत ने जोश मारा और वो लश्कर लेकर राजा पूरनमल को सजा देने निकल पड़ा। राजा पूरनमल रायसीन के किले में महसूर हो गया और शेरशाह सूरी को 600 हाथियों का तोहफा भेजा, मगर खुद बाहर ना आया। रायसीन का किला इतना बड़ा तो ना था, मगर 1760 फुट बुलंदी पर वाक़ ये किला बहुत मजबूत था। ये किला एक तरफ दरिया और दो अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था, इसलिए ना तो इसे फतह करना आसान था और ना ही किले का बाहर की दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते करना मुमकिन था। जब किले का मुहासरा किए 6 माह गुजर गए तो शेरशाह सूरी ने रियासत की तोपें और गोला बारूद मंगवा कर किले पर धावा बोल दिया तो रायसीन के राजा ने खौफजदा होने के बजाय नहायत कड़ी शरायत पर हथियार डालने की पेशकश की। राजा पूरनमल की शरायत ये थी कि शेरशाह सूरी की फौज पीछे हट जाए, राजपूतों को महफूज मकाम की तरफ जाने का मौका दिया जाए। जमानत के तौर पर शेरशाह सूरी अपने बेटे आदिल शाह और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन को हमारे हवाले करे तो किले में मौजूद मुसलमान लड़कियों को उसके हवाले कर दिया जाएगा। शेरशाह सूरी ने यह तमाम शरायत कबूल कर ली और राजा पूरनमल से वादा किया कि तमाम शरायत पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। शेरशाह सूरी की फौज पीछे हट गई और राजपूत किले से नीचे उतर आए, मगर जब उनकी तहवील में मौजूद मुसलमान लड़कियां शेरशाह सूरी के पास आईं तो सूरत हाल बदल गई। मुअर्रख अब्बास खान सरवानी के मुताबिक राजा पूरनमल के किले से आज़ाद होने वाली लड़कियों ने शेरशाह सूरी से कहा कि अगर तुमने आज हमारे साथ इंसाफ ना किया तो हम रोज़े महशर तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। शेरशाह सूरी ने ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए और उसने कहा कि सब्र करो, मैंने उनसे वादा किया है और हलफ दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मुतासरा ख़वातीन ने कहा कि इस हवाले से उल्मा की राय ली जाए। शेरशाह सूरी ने उल्मा को तलब किया। उस वक्त के मारूफ आलम दीन शेख रफ़ीउद्दीन और दीगर ने फतवा दिया कि जुल्म की नई दास्तान सामने आने के बाद वादा पूरा करना ज़रूरी नहीं, पूरनमल को सजाए मौत दी जाए। शेरशाह सूरी की फौज ने उल्मा से हासिल किए गए इस फतवे के बाद राजपूतों को घेर लिया। राजा पूरनमल और दीगर राजपूत जान गए कि उनसे किया गया अहद तोड़ दिया गया है। राजपूतों के कदम मौत को सामने देखकर भी ना डगमगाए और उन्होंने ऐसी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि जिसकी रहती दुनिया तक कोई दूसरी मिसाल ढूंढना बहुत दुश्वार है। राजा पूरनमल ने अपनी चहेती बीवी रत्नावली को अपने हाथों से मार डाला और उसके बाल काटकर अपने बाजू पर बांध लिए। राजा पूरनमल की तकलीद करते हुए दीगर राजपूतों ने भी अपने बच्चों और औरतों को अपने हाथों से कत्ल कर डाला। लड़ाई शुरू हुई तो राजपूत पूरी आन बान और शान से लड़े। जब तक सब के सब ना मारे गए तब तक जंग का फैसला ना हो सका। पूरनमल की एक बेटी और उसके 3 भतीजे जिंदा पकड़े गए। लड़कों को जिंसी इज़ा से महरूम करके बाजीगरों के साथ नाचने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि पूरनमल की बेटी को रकासाओं के सपुर्द कर दिया गया। शेरशाह सूरी जैसा अजीम फातेह और जंगजू जिसने हमेशा अदल व इंसाफ का दामन थामे रखा, रायसीन का किला फतह करने के बाद एक फतवे की आड़ में अपना हलफ तोड़ना हरगिज उसके शायान शान ना था और जुल्म व सफाकियत पर मबनी ये वाक़या उसके तारीखी किरदार पर ऐसा बदनुमा दाग है जो आज तक नहीं मिट सका। इन फतुहात के बाद शेरशाह सूरी आगरा वापस आ गया।
दिल्ली का शहर जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत नामुनासिब जगह मुंतकिल कर दिया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली को किला दीन पनाह के पास बसाया तो यूं लगा जैसे शहर अपनी जगह पर वापस आ गया है। शेरशाह सूरी ने फतूहात और जंगी मुहिमात का सिलसिला भी जारी रखा, मगर इस दौरान निजाम हुकूमत तब्दील करके समाजी इनकलाब बरपा कर दिया। शेरशाह सूरी ने तारीखी इमारतें तामीर करने के बजाय अपनी रियाया की फलाहो बहबूद पर तवज्जो दी। हिंदुस्तान में करेंसी का कोई मरकजी निज़ाम नहीं था, मुख्तलिफ रियासतों के सिक्के जेरे गर्दिश थे। उसने ये सब सिक्के बंद करवा दिए। सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के जारी किए गए। सोने का सिक्का मोहर कहलाता। जब चांदी के सिक्के का नमूना पेश किया गया तो शेरशाह सूरी के मुंह से निकला रुपया, जिसका मतलब था खूबसूरत। चुनाचे इस सिक्के का नाम रुपया रख दिया गया। तांबे का सिक्का दाम कहलाता और एक रुपये में 64 दाम होते। करेंसी का ये निज़ाम न सिर्फ मुग़ल दौर में मुस्तमिल रहा बल्कि हिंदुस्तान की तकसीम तक शेरशाह सूरी के मुतारिफ करवाए गए सिक्के चलते रहे और आज भी पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और मोरितानिया में करेंसी नोट रुपया कहलाता है। बरतानवी सिविल सर्वेंट सर विल्सले हेग, जिन्होंने कैम्ब्रिज हिस्ट्री सीरीज मुरतब की, वो हिंदुस्तान की तारीख से मुतल्लिक तीसरे वॉल्यूम में लिखते हैं कि मुग़ल सल्तनत के मौरखीन जिनके नज़दीक शेर खान एक अफ़गान बागी था, उनकी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में तारीख लिखने वाले भारतीय मुसन्निफ़ीन ने शेर शाह सूरी के साथ इंसाफ नहीं किया। दर हकीकत शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर मुतमक्किन होने वाले सलातीन में से सबसे अजीम हुक्मरान था। कुतुबुद्दीन ऐबक से औरंगजेब आलमगीर तक कोई भी शेर शाह सूरी की तरह अवाम का नबशनास, इंतजामी अमूर पर दस्तरस रखने वाला और रियाया से मुतालिक मामलात का बारीकी से फहम रखने वाला नहीं था। शेर शाह सूरी ने अपनी सल्तनत को सरकार और परगना की इकाइयों में तकसीम किया। उसकी सल्तनत 47 सरकार पर मुश्तमिल थी जिसमें 1,13,000 परगने थे। परगने में मुनसिफ निज़ाम अदल का जिम्मेदार होता, शिकदार पुलिस के फराइज सर अंजाम देता, अमीन महासिलात जमा करता और मुकदम जिसे उस दौर का चौधरी भी कहा जा सकता है, वो इंतजामिया और रियाया के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए मसालेतकार की जिम्मेदारियां अदा करता। शेरशाह सूरी के बरसर इक्तदार आने से पहले हर शहर और हर रियासत में टैक्स दर टैक्स का निजाम राज था, मगर शेरशाह सूरी ने ये तमाम टैक्स और ड्यूटियां खत्म कर दी और सिर्फ दो तरह के टैक्स लागू किए गए। जब कोई ताजर माल लेकर आता तब उससे टैक्स लिया जाता और जब वो माल फरोख्त होता तब ड्यूटी वसूल की जाती। शेरशाह सूरी के दौर में जमीनों की मलकियत का रिकॉर्ड मुरतब करने का आगाज हुआ। बीघे की इकाई मुतारफ करवाई गई, खसरा नंबर अलाट हुए, ज़राअत को फरोग देने पर भी बहुत तवज्जो दी गई। किसी भी जंगी मुहिम के दौरान फौज की आमदोरफ्त होती तो सिपाहियों की तरफ से फसलें रौंदने या तबाह करने पर सख्त सजाएं दी जाती और काश्तकार के नुकसान का अजाला किया जाता। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो इसके चार हिस्से किए जाते। एक हिस्सा टैक्स जमा करने वाले हुकाम के लिए मख्तस होता, एक हिस्सा सरकारी खजाने में जमा होता, जबकि दो हिस्से फसल उगाने वाले काश्तकार के हिस्से में आते। शेरशाह सूरी आमदोरफ्त की अहमियत से वाकिफ था, इसलिए उसने अपनी सल्तनत में सड़कों का जाल बिछा दिया। उसका सबसे बड़ा कारनामा जरनेली सड़क है जिसका नाम तब्दील करके ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया। ये सड़क काबुल से शुरू होकर लाहौर तक आती है और फिर दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। इस सड़क पर मुसाफरों को सहूलियात फराहम करने की गर्ज से ऐसे इकदाम किए गए जिनका मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी नहीं सोचा जा सकता। हर 2 किलोमीटर के फासले पर सराय तामीर किए गए जो डाक चौकी का काम भी करते। फासले की निशानदही और मुसाफरों की रहनुमाई के लिए
कोस मीनार तामीर किए गए। अब भी लाहौर में कहीं बोसीदा कोस मीनार उस अजीम हुक्मरान की याद दिलाते हैं। मुसाफरों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए कुएं खोदे गए जो बाउली कहलाते। शेर शाह सूरी के दौर में तामीर की गई एक बाउली आज भी नौशहरा के करीब अजाखेल में न सिर्फ मौजूद है बल्कि यहाँ पानी भी दस्तयाब है। भारतीय मुअर्रिख आशवानी अग्रवाल अपनी किताब स्टडीज इन मुगल हिस्ट्री में लिखते हैं कि शेर शाह सूरी का शुमार हिंदुस्तान के अजीम तरीन बादशाहों में होता है। वो 1540 से 1545 तक सिर्फ 5 साल बरसर इक्तदार रहे मगर इस मुख्तसर दौर में रियाया की फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के लिए ऐसे इकदामात किए जो उनसे पहले कोई हुक्मरान नहीं कर सका। अब्बास खान सरवानी के मुताबिक शेर शाह सूरी के दौर में अमनो अमान का ये आलम था कि अगर एक बूढ़ी खातून जेवरात से भरी टोकरी सर पर उठाए अकेली सफ़र कर रही होती तो उसे ये खौफ ना होता कि चोर उचक्के या डाकू उसे लूट लेंगे। शेर शाह सूरी एक मुस्तरिब और बेचैन रूह की मानिंद बेक वक्त कई महाजों पर लड़ रहा था। अक्टूबर 1544 में शेर शाह सूरी किला कलंजर फतह करने निकल पड़ा और ये उसकी आखिरी मुहिम जुई साबित हुई। ये 1230 फुट की बुलंदी पर कायम नाकाबिले तस्खीर किला था। शेर शाह सूरी की फौज ने किला कलंजर का मुहासरा कर लिया और फिर 7 माह तक ये घेराव जारी रहा। किले पर हमला करने के लिए शेर शाह सूरी ने बहुत बुलंद मीनार और बुर्जियां तामीर करवाई। जेरे ज़मीन सुरंग खोदकर किले तक ले जाई गई और फिर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई। 21 मई 1545 को तैयारियां मुकम्मल होने के बाद किला कलंजर पर भरपूर हमला कर दिया गया। शेर शाह सूरी खुद अपनी निगरानी में बमबारी करवा रहा था कि इस दौरान एक गोला किले की दीवार से टकराने के बाद वापस आया और गोलों के जखीरे पर आन गिरा। आतिशगीर बादा फटने से बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें कई जंगजू मारे गए और शेर शाह सूरी खुद भी झुलस गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिशर्स की शाया करदा किताब शेर शाह सूरी ए फ्रेश पर्सपेक्टिव के मुताबिक शेर शाह सूरी बिस्तरे मर्ग पर था और उसके उमरा तकलीफ़ देखकर हमदर्दी का इजहार करते तो वह कहता कि किला फतह करके मुझे खुशखबरी दो, यही मेरे दर्द का इलाज है। शेर शाह सूरी ने अपने दामाद ईसा खान हाजिब को खेमे में बुलाया और उसे किला फतह करने का टास्क दिया। नमाज जोहर के बाद किला फतह हो गया तो अपने सालार का बदला लेने की गर्ज से बदतरीन कत्लेआम हुआ। किला कलंजर का राजा किरत सिंह भाग गया मगर अगले रोज पकड़े जाने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। शेर शाह सूरी को जैसे ही किला कलंजर फतह करने की खबर मिली उसकी रूह परवास कर गई। शेर शाह सूरी पर जब नजा का आलम तारी था और उन्होंने जिंदगी और मौत की कश्मकश के दौरान अधूरे कामों पर अफसोस का इजहार किया तो उनके रोसा मुशीरों और दरबारियों ने कहा कि आपने 5 साल के मुख्तसर अरसा में जितने कारनामे सर अंजाम दिए और रफाए आमा के लिए जो इकदामात उठाए इससे पहले तख्त नशीन हुक्मरानों को इसकी तौफीक नहीं हुई, आप दिल छोटा क्यों करते हैं। शेर शाह सूरी ने कहा कि कुछ अरमान अब भी बाकी हैं। शेर शाह सूरी ने इस मौका पर अपनी 4 ख्वाहिशों का जिक्र किया जो पूरी ना हो सकी और अब हसरतों में तब्दील हो गई। तारीख़ खान जहानियों मखज़न अफ़गानी के मुताबिक शेर शाह सूरी ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि विलायत रू यानी अफ़गानिस्तान को वहाँ से वीरान करके दरियाए अटक से लाहौर तक और फिर कोह नंदना से कोशवालिक तक आबाद करूँ ताकि जब भी कोई मुग़ल हमलावर आए तो फ़ौरन पता चल जाए और वो हिंदुस्तान में दाखिल ना हो सके। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि लाहौर शहर को वीरान कर दूँ क्योंकि ये अजीम शहर गनीम के लिए बायस कशिश और पनाहगाह बनता है।
तीसरी ख्वाहिश ये थी कि समंदरी रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर 50-50 बहरी जहाज़ों की सराय बनाऊँ जो इस कदर मजबूत हो कि बादो बारा के किसी तूफ़ान का इस पर असर ना हो। ये इसलिए कि हज और उम्रा की नीयत से मक्का मौजमा जाने वाले बेखौफ ख़तर सफ़र कर सकें। मेरी चौथी आरज़ू ये थी कि पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी की कब्र पर शानदार मकबरा तामीर करूँ और उसके सामने फ़ातह पानीपत ज़हीरुद्दीन बाबर की यादगार तामीर करूँ और उन बादशाहों के भी मकबरे बनाऊँ जिन्हें मैंने खुद शहीद किया। शेर शाह सूरी ये हसरतें दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गए तो उन्हें सहसराम में दफन किया गया और वो अजीम हुक्मरान जो अपने दुश्मनों के मकबरे और यादगारें तामीर करने का अरमान दिल में लिए रुखसत हुआ, आज उसका अपना मकबरा भारतीय हुकूमत की अदम तवज्जही पर नोहा किना है। बेशतर मौरखीन का ख्याल है कि अगर शेर शाह सूरी को चंद बरस मजीद मिल जाते तो हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती और आज हम मुगलिया सल्तनत की तारीख बयान न कर रहे होते। डॉक्टर त्रिपाठी अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि अगर शेर शाह सूरी मजीद जिंदा रहता तो जलालुद्दीन अकबर का नामो निशान तक ना होता। बिलाशक व शुबा शेर शाह सूरी दिल्ली के सलातीन में से एक अजीम हुक्मरान था। उसने 5 साल मुख्तसर दौर में जो इस्लाहात मुतारिफ करवाईं वो उसकी इंतजामी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। प्रोफेसर कालका रंजन कानूनगो अपनी किताब शेर शाह सूरी का अहद में लिखते हैं कि अगर शेर शाह सूरी को मजीद 10 साल मिल गए होते तो शायद वो ऐसी गैर मुतजलजल और अजीम शान सल्तनत कायम कर गया होता और इस तरह की इंतजामी इस्लाहात मुतारिफ करवाता कि 10 बरस बाद अकबर के तख्त नशीन होने की गुंजाइश बाकी ना रहती। ये था इस खित्ते के अजीम हुक्मरान और कामयाब तरीन सिपा सालार शेर शाह सूरी की किताब ज़िस्त का खुलासा। जलालुद्दीन अकबर अजीम शहनशाह कैसे बने और उनका दौर कैसा रहा, इस पर बात होगी आइंदा एक साथ में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332-8410-537 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।